So few more assignment sums are being discussed now. The sum of squares of two consecutive odd numbers is 394. Find these numbers. अब देखो odd numbers consecutive जैसे 3, 5 तो उनके बीच में difference हमेशा कितना होता है? 2 का difference होगा 7, 9. तो एक odd number अगर x हुआ तो दूसरा होगा x plus 2. इनका square का sum 394 है. यहाँ पे a plus b square का हमने formula लगा दिया is equal to 394. x square plus x square will give us 2x square plus 4x. 394 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे माइनस 390 इज इक्वल टू जीरो. 2 से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 195 इज इक्वल टू जीरो. 195 के फैक्टर्स 5 एंड 39. 5 इसका एक अलग कर दो फैक्टर तो 39 बचा और 39 को फिर ब्रेक करेंगे 13 3 39. 5 × 3 इज 15. तो 15 और 13 दो फैक्टर्स है जिनका जो डिफरेंस है वो 2 है. तो इस 2 को हम लोग लिखेंगे 15x माइनस 13x. x कॉमन निकालेंगे x प्लस 15 माइनस 13 कॉमन निकालेंगे x प्लस 15. इसके दो फैक्टर्स है x माइनस 13 x प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से दो रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 13 x इज इक्वल टू माइनस 15. तो x इज इक्वल टू 13 करेक्ट रूट है क्योंकि ऑड नंबर्स पॉजिटिव ही होते हैं. नेगेटिव में जाते ही इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं होता तो ये ऑड नंबर आप नहीं बोल सकते. तो x का वैल्यू 13 है उसका अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 15. तो ये आंसर है इसका. नेक्स्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर. तो ये डायग्राम है इसका कि 63 किलोमीटर के लिए ट्रेन किसी स्पीड पे किसी एवरेज स्पीड पे चल रही है एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया बट 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को से बढ़ा दिया. अपनी जो स्पीड है उसमें 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया. टोटल जो टाइम है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी कि टोटल टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 आवर्स लगा तो हमको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन. ओरिजिनल जो स्पीड है ट्रेन की यूजुअल स्पीड वो कितनी है. तो इस सेक्शन में स्पीड इस डिस्टेंस अपॉन टाइम वो फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे. तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम है वो लगा t1. फिर वही करेंगे स्पीड है s प्लस 6. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 72 अपॉन टाइम इज मान लो t2. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज t2. बट हमको t1 t2 दिया हुआ है. t1 प्लस t2 कितना है 3 आवर्स. तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ से t1 निकालेंगे यहाँ से t2 निकालेंगे. t1 का एक्सप्रेशन ये t2 का एक्सप्रेशन ये उसको हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे t1 प्लस t2. तो 63 अपॉन s 72 अपॉन s प्लस 6 इज इक्वल टू 3. 3 से थ्रू आउट हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 3 अपॉन 3 1. 72 अपॉन 3 इज 24 एंड 63 अपॉन 3 इज 21. ये टर्म्स आएंगे. फिर ऊपर यहाँ पे 21 और 24 इसमें से हम लोग 3 फैक्टर बाहर निकालेंगे. यहाँ पे आएगा 7 अपॉन s 8 अपॉन s प्लस 6 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे. यहाँ पे 3 है डिवाइडेड बाय s s प्लस 6 इज इक्वल टू 1. s s प्लस 6 हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे 7s प्लस 8s आएगा 15s 42. तो वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, तो इसके बाद इसको अब सॉल्व करेंगे. हम लोग इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 15 3 45s 3 × 42 126 इज इक्वल टू s² + 6s. सारे टर्म्स को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा s², यहाँ पे आएगा 45. इधर शिफ्ट करोगे तो आएगा -39s -126. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और 126 को फैक्टराइज करेंगे. 3 फैक्टर अगर आप बाहर निकालो तो अंदर बचेगा 42 और यही दो फैक्टर्स है जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है 39. तो 39 को लिखा जाएगा -42 + 3 s. यहाँ से हम लोग s बाहर निकालेंगे, यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे, वी गेट दीज टू टर्म्स. फिर यहाँ से s - 42 बाहर निकालेंगे, यहाँ पे आएगा s + 3. फाइनली s का वैल्यू 42. तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर.